हेलो गाइस, माय नेम इज अमित सैनी। डेली यूपीएससी एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। और मिशन 2020 हम इसको लेके चल रहे हैं। डेली ये क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर बेस्ड। आज संडे का सेशन है और 22 सितंबर आज है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन कंपाइलेशंस को अपने पास में आप रखिए, पीडीएफ आपको डेली मिल ही जाता है और पॉकेट न्यूज़ ऐप ट्रेनिंग के ऊपर है। इन कोर्सेज रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाता है और इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। यहाँ पर चैट सेक्शन अवेलेबल है और इस फेसबुक ग्रुप पर पीडीएफ आपको मिलेगी और यहीं पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो इन दोनों सोर्सेज को फॉलो आपको करना है। इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप मुझे कोई क्वेरी डाल सकते हो। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे। ये पहली बात तो देखिए, ये कोस्टल क्लीनअप डे जो है ये कोई एक सिंपल और काफ़ी कैजुअल तरीके से स्टार्ट हुआ था और लगभग 30 साल पहले 1987 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था और ये हर साल मनाया जाता है। लेकिन ये डेट कोई फिक्स नहीं है, ये थर्ड सैटरडे होता है सेप्टेम्बर का, उस दिन ये मनाया जाता है। तो उस दिन से ही ये चीज़ चल रही है और लगभग 30 साल से ऊपर ये इवेंट हो चुका है। इसका इन्फॉर्मेशन आज न्यूज़पेपर में आया था और एक इम्पॉर्टेंट इशू है प्लास्टिक का और इन सब का जो मूवमेंट चल रहा है, जितनी सारी बातें इस साल बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो उस मामले में ये जो इशू है ये बहुत क्रूशियल हो जाता है। तो वैसे कोई ये यूएन के द्वारा या किसी और बॉडी के द्वारा ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, इसलिए आंसर इसका होगा डी 9, क्योंकि ये थर्ड सैटरडे जो होता है सेप्टेम्बर का, उस दिन ये मनाया जाता है। तो ये 30 साल पहले स्टार्ट हुआ था और ये अब 100 कंट्री से ज़्यादा में ये चीज़ जो है हर साल मनाई जाती है, तो ये फॉलो हो रहा है। लिंडा मैरानिस नाम की एक लेडी थी जो कि इन्होंने ये स्टार्ट किया था, ये कंजर्वेशन का जो प्रोग्राम है उन्होंने उस बीच को क्लियर किया था, तो तब से ये चीज़ मनाई जा रही है। ये एक पिक्चर जो आया था कि उड़ीसा के पुरी के अंदर बहुत ही बड़ा एक इवेंट इसका रिगार्डिंग हुआ है और बहुत बड़ा नंबर में वॉलंटियर्स जो है उन्होंने यहाँ पर हेल्प किया है, काम किया है। महाराष्ट्र में भी हर जगह से, मतलब इंडिया की कोस्ट लाइन जो है 7500 किलोमीटर से भी बड़ी है। तो बहुत सारी सिटीज़ हैं, जैसे चेन्नई है, मुंबई है, ये सब जो विशाखापट्टनम है, इतनी सारी सिटीज़ हैं, कोलकाता है, जो कि ओशन के बीचेस के ऊपर बहुत कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। कोलकाता जैसे एकदम ओशन के ऊपर तो नहीं है, रिवर है, लेकिन वो जो एफर्ट जो है वो बहुत कुछ वहाँ पर लगाया जा सकता है। और प्लास्टिक्स का कंट्रोल करना ये सबसे बड़ी हेल्प होगा ओशंस के लिए, अल्टीमेट डंप है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो राइज हो रहा है वो भी जो ओशंस है दुनिया के वो उसका सिंक बन गए हैं, तो ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। लेकिन जो हमारे बस में है वो हमें करना ही करना चाहिए। तो जो पोल्यूशन हम करते हैं, एमिशन हम करते हैं, उसको भी कंट्रोल करना है और बाकी प्लास्टिक्स का तो जो इशू है उसको बहुत आगे तक लेके जाना है। तो इसमें सेलिब्रिटीज़ ने, सब ने इसमें हेल्प की है। मुंबई के अंदर वर्सोवा बीच वगैरह वहाँ पर सब लोग इसमें गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। नेक्स्ट, ये जो इशू आया है ऋषिकुल्या रिवर का, ये पिक्चर दिया हुआ है। ऋषिकुल्या आपको याद होगा उड़ीसा का जो बीच है पुरी का, उसके पास में ही है। और जो अरीवाड़ा जो होता है, जो फिनोमेना है जहाँ पर मास नेस्टिंग होती है टर्टल्स की, ओलिव ब्रैडली टर्टल्स, उसके लिए फेमस भी है। नेक्स्ट, बेसिलस कालमेगुरिन, ये एक इम्पॉर्टेंट वैक्सीन है। किसके रिगार्डिंग? क्या मीजल्स के रिगार्डिंग है? बहुत सारे इशू मीजल्स के रिगार्डिंग चल रहा है, लेकिन बीसीजी वैक्सीन मीजल्स के रिगार्डिंग नहीं होती होती है, ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए और दी जाती है। हालांकि इसका इतना इम्पोर्टेंस आज के दिन नहीं रह गया, क्योंकि ये जब स्टार्ट हुई थी तब ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट वैक्सीन थी और जो ट्यूबरक्लोसिस जो बैक्टीरिया है उसके रिगार्डिंग एक बड़ा हेल्प ये निकल के आया था और ये 1930 से ही स्टार्ट हो गया था। लेकिन आज के दिन ये इतना इफेक्टिव क्यों नहीं है उसके भी कई सारे रीजंस ढूंढे जा रहे हैं और इसका एक लॉन्ग टर्म जो है इम्पैक्ट वो नहीं रहता है, इसलिए बच्चों को ही दी जाती है। और शुरुआत में कई तरह के और भी इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कोलेरा वगैरह किसी एरिया में फैला हुआ है और किसी एरिया में ट्यूबरक्लोसिस पहले ज़्यादा होता था, तो उस एरिया में वैक्सीन सब बच्चों को देते थे, ये भी चीज़ थी। इसमें लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है, कुछ सालों तक ही, लगभग मैक्सिमम 20 साल मानते हैं कि इसका इम्पैक्ट रहता है बॉडी के अंदर और बाद में जो है इसका इम्पैक्ट इतना नहीं रह जाता है। लेकिन आज तो ट्यूबरक्लोसिस कुछ अलग ही फिनोमेना बन चुका है, जो एमडीआर टीबी वगैरह आ चुकी हैं उसके रिगार्डिंग कोई भी बचाव इस वैक्सीन से नहीं है, बहुत ही लिमिटेड लेवल के ऊपर इसके ऊपर बचाव होता है, खासकर बच्चों में होता है। तो वैक्सीन अभी भी दी जाती है। अभी एक चीज़ आई है कि क्यूरकुमिन जो है एक केमिकल होता है जैसे हल्दी वगैरह में मिलता है, उसके नैनो पार्टिकल जो है वो इसमें हेल्प कर सकते हैं बॉडी के अंदर कि इम्यूनिटी जो है वो राइज कैसे करे और इस वैक्सीन का हेल्प जो है वो कैसे बढ़ जाए। तो उसकी एक अभी खोज जो है वो इंडिया के अंदर रिसर्च इसकी हुई है, तो ये गलत है, ये केमिकल जो है ये रेजिस्टेंट नहीं बना रहा है, ये तो एक्चुअली हेल्प करेगा, इसके नैनो पार्टिकल्स हेल्प करेंगे इम्यूनिटी को बढ़ाने के अंदर और ये जो वैक्सीन है इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के अंदर काम करेंगे। तो ये चीज़ है, तो ये भी गलत है क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है, मीजल्स के लिए नहीं होता है। मीजल्स एक वायरस बेस्ड डिजीज़ है और उसकी भी वैक्सीन होती है, लेकिन उसका इशू ये चल रहा है कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी कम होने के कारण बहुत सारे डेवलप्ड देशों के अंदर भी उसके केसेस बहुत बढ़ गए हैं पिछले एक दो सालों के अंदर। तो
तो डी नाइन इसका आंसर होगा, दोनों इसमें गलत हैं, ये आप इसमें पढ़ लेना। जो क्यूरकुमिन का इसमें नाम आया है और बीसीज वैक्सीन का डिटेल यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो सारा जो इशू है वो इसमें पढ़ सकते हो। लेप्रोसी, सॉरी मैंने आपको कोलेरा बोला, लेप्रोसी होगा, लेप्रोसी जहाँ पर होती है या फिर ट्यूबरकुलोसिस जहाँ पर ज़्यादा होता था पहले, तब ये वहाँ पर वैक्सीन ज़्यादा सब बच्चों को दी जाती थी, और कुछ अडल्ट्स को भी इसमें दे सकते हैं जिन्होंने कभी इसको लिया नहीं है पास्ट में, तो ये भी इसका इशू है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं रह गया आज के दिन। नेक्स्ट, टेंथ शेड्यूल, टेंथ शेड्यूल जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो क्या बाद में इंसर्ट किया गया था 1985 में, और उसके लिए क्या अमेंडमेंट 52nd अमेंडमेंट था, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ ये लाया गया था, और बहुत सारे इश्यूज हो गए थे जब बहुत सारी पार्टीज एक एक दिन में लोग बदल रहे थे, तो इसको लाना बहुत ज़रूरी हो गया था। हालांकि इसके रिगार्डिंग कोई यूनिवर्सल ओपिनियन नहीं है कि ये बहुत ही बेस्ट चीज़ है, ऐसा नहीं है, इसके नेगेटिव आस्पेक्ट भी हैं, क्योंकि इंडिविजुअल ओपिनियन जो होता है वो इसमें कमज़ोर पड़ जाता है मेंबर्स का, और इसमें पार्टी के हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन इसको लाया जब इसलिए गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्टी चेंज कर रहे थे, और उनका पूरा मोटिव ही बस ये हो गया था कि कैसे भी पावर पोजिशन मिल जाए कोई पार्टी में और वहाँ चले जाएँ, तो ये चीज़ गलत है। तो पार्टीज़ की आइडियोलॉजी होती है वो भी रहनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो रही हैं और बहुत ही गंदा एक खेल राजनीति का बन चुका है, इसलिए हर चीज़ के रिगार्डिंग कई तरह के डिवाइडेड ओपिनियंस हैं। लेकिन आपके लिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि 52वां ही अमेंडमेंट एक्ट था, 85 में आया था, और 10th शेड्यूल जो था जोड़ा गया था, 8 ही शेड्यूल थे ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और बाद में 9th शेड्यूल 10th शेड्यूल ये जोड़े गए थे। और 9th शेड्यूल तो आपको पता ही है, जिसमें जो एक्ट जिसमें अगर उसमें डाल दिए जाते थे तो फिर उसका कोई चेंज नहीं हो सकता था, और वो उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं हो सकता था, रिव्यू नहीं हो सकता था 73 का जो साल था तब तक, लेकिन बाद में फिर चेंजेस किए गए थे, केशवानंद भारती केस आया, सब कुछ आया, तो वो 9th शेड्यूल का इशू था। ये 10th शेड्यूल है जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ का है, ADL। और एक चीज़ याद रखिए, इसमें जो हाउस का जो हेड होता है, जो या तो स्पीकर है विधानसभा में या फिर लोकसभा में स्पीकर होता है, और राज्यसभा में चेयरमैन होता है, तो ये डिसाइड करते हैं कि कोई इंसान की मेंबरशिप जो है वो रहेगी कि नहीं रहेगी, वो क्वालिफाई रहेगा कि नहीं रहेगा, डिसक्वालीफाई होगा कि नहीं होगा। अभी डिसक्वालीफाई किया गया है, हरियाणा के अंदर किया गया था, तो ये इशू बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग बहुत डिस्कशन चल रहा है, ये गलत है, क्योंकि प्रेजिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिए हुए हैं डिसक्वालिफिकेशन के ग्राउंड उनके हिसाब से तय करता है, एंटी डिफेक्शन वाले का पावर स्पीकर के पास में होता है, तो दोनों ही, सॉरी ओनली वन इसका आंसर होगा, दूसरा इसमें गलत है, तो ए इसका आंसर होगा। ये डिटेल आप इसमें ज़रूर से पढ़ना, बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज इसके रिगार्डिंग, और मेंस के हिसाब से अगर देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये बनता है, और अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 के, वो आप देख ही लेना ज़रूर से, अभी आ चुके हैं आधे पेपर तो, और आधे और आने वाले हैं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली ये चीज़ सामने आएगी, और स्टैटिक पोर्शन भी है ये, और करंट के हिसाब से भी ये कॉन्टेक्स्ट इसका हमेशा रहता है, हर साल रहता है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, लॉ कमीशन ने, इलेक्शन कमीशन ने और गोस्वामी कमेटी ने, इन सब ने इसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन भी दिया था, पॉजिटिव में और नेगेटिव में दोनों में। नेक्स्ट, आर्टिकल 102 और 101 में, ये किसके रिगार्डिंग है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, क्या ये रिट ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड है, नहीं, क्या ये वोटिंग इन द हाउस से रिलेटेड है, नहीं, ये होगा डिस्क्वालिफिकेशन से। अभी मैंने जो अभी इशू आपको बताया, तो उसमें डिस्क्वालीफाई के जो ग्राउंड होते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं, मान लीजिए कोई दूसरे देश की सिटीजनशिप ले ले तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो इशू होता है उसके अंदर भी डिस्क्वालिफिकेशन होता है। अभी पंजाब कैबिनेट ने डिस्क्वालीफाई किए हैं ऑफिस ऑफ सॉरी उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि जो एडवाइजर्स हैं कैबिनेट के उनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं लिया जाएगा, तो इसका मतलब उनको हटा नहीं सकते हैं इस बात को बोलकर कि आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का एडवांटेज लिया है। अब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, नौकरी कर रहा है, हालांकि ये सुनने में थोड़ा सा इलॉजिकल लगता है लेकिन चीज़ होती है कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो अपना काम करता है और वो सैलरी लेता है, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ सकता है नौकरी पर रहते हुए, क्योंकि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाता है। ऐसे ही मान लीजिए कोई कंपनी वगैरह के अंदर है और उसके अंदर कई तरह की कंडीशन लागू होती हैं, गवर्नमेंट उसके अंदर कोई इन्वेस्टर है या फिर उसके स्टेक्स हैं या फिर कुछ भी तरीके से, और वो वहाँ से सैलरी लेता है और उसका प्रॉफिट का जो प्रॉफिट मतलब कि जो उसका सैलरी वगैरह है वो अगर डिक्लेयर इस तरह से होता है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आएगा, तो वो फिर इंसान डिस्क्वालीफाई हो सकता है, मतलब उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहना चाहिए, उसकी पोजीशन के कारण कोई उसको फ़ायदा ना मिले, तो इसके रिगार्डिंग ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का इशू होता है। तो इसकी बात बहुत बार आ चुकी है और कई बार इसका मुद्दा उठ चुका है, तो इसलिए इसके ऊपर क्वेश्चन आना बहुत लाजमी है। तो आर्टिकल 102 और 191 में ये दोनों सेंटर और स्टेट की जो असेंबलीज होती हैं
उसके रिगार्डिंग ये बताया हुआ है। तो डिस्क्वालिफिकेशन कैसे कैसे हो सकता है उसका इन्होंने बता रखा है इसमें। ये आर्टिकल 102 है और ये 191 है, ठीक है। पंजाब कैबिनेट ने अभी डिसाइड किया है कि वो ऑर्डिनेंस लेके आएंगे, जब नहीं चल रहा होता सेशन तो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, और उसमें जो अपॉइंटमेंट है एडवाइजर्स का उसको एक्सक्लूड करेंगे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के एम्बिट से, इसका मतलब उसको हटा नहीं सकते हैं इस ग्राउंड के ऊपर। सो ये इसमें दे रखा है कि 15% से ऊपर जो है वो नंबर नहीं हो सकता है मिनिस्टर्स का, टोटल जो मेंबर्स हैं हाउस के अंदर। तो ये उसका उल्लंघन भी करता है कई बार, क्योंकि नंबर्स बढ़ा देते हैं कई बार बहुत ज़्यादा, मिनिस्टर्स डिक्लेयर कर देते हैं, तो वो उस टाइम पर भी इस तरह के इशूज़ खड़े हो जाते हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का इशू कई बार खड़ा होता है। दिल्ली वाले मामले के अंदर भी ऐसा ही हुआ था, जब अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी आम आदमी, उनके पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोगों को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की कैटेगरी में बताया गया था, और फिर वो इशू उठाता खड़ा हुआ था। तो ये बात है, इसमें आप पढ़ लेना पूरा, और आर्टिकल 102 और 191 का जो डिटेल है वो भी मैंने दिया हुआ है, वो पढ़ लेना सारा। नेक्स्ट, ग्लोबल एवरेज कॉरपोरेट टैक्स रेट कितना है, 25.79% क्या है, नहीं ये 23.79 है, इसकी बात तीन दिन से चल रही है। और ग्लोबल एवरेज कॉरपोरेट टैक्स रेट जो है वो अब बहुत इंपॉर्टेंट इशू बन गया, क्योंकि हम इसके बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा जो है लगभग 25.17 आ चुका है इफेक्टिव, क्योंकि 22 पे लेके आए हैं हम, और इफेक्टिव जो होगा वो 25.17 होने वाला है। तो बड़ा रिडक्शन हमने किया है, 30% था पहले, और उस पर सरचार्ज और एजुकेशन सेस वगैरह लग के वो 34.17 होता था, और 34 से हम सीधा उसको 25 के आसपास लेके आ गए हैं। तो ये बड़े चेंजेस हमने किए हैं, लेकिन ये कहना गलत है कि हमारा लोवेस्ट हो गया एशियन इकोनॉमीज़ में, ऐसा नहीं है, इससे नीचे भी और भी हैं, जैसे कि सिंगापुर वगैरह हैं और भी हैं, तो दोनों इसमें गलत है। डी नन इसका आंसर होगा, ये दे रखा है 23.79 ग्लोबल एवरेज है OECD कंट्रीज़ का ये है, और ये KPMG का डेटा बताता है। नॉर्थ अमेरिका का है 26.75, यूरोप का है सिर्फ 19.37%, और एशिया का है 21.09%। तो ये हमारे टैक्स रेट जो है वो अभी काफ़ी कम हो गए हैं, और कई तरह की कैटेगरीज है, जैसे कि मतलब नए जो बिजनेस हैं जो स्टार्ट होते हैं उनको 17% के लगभग ही देना पड़ेगा, जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के अंदर हैं, और जो और कोई स्टार्टअप्स हैं जिनकी कई तरह की कंडीशंस वगैरह इसमें एग्जेम्पशन वगैरह मिलते हैं, और जो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स वगैरह देते हैं उनके लिए 15% ही बस लगेगा। तो ये सारे डिक्लेरेशन अभी हुए हैं, ठीक है। इंडिया का देखिए 22% का नंबर यहाँ पर आता है, इससे नीचे कंबोडिया, ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर ये सब भी आते हैं, और चाइना का 25% है। तो ये देखने वाली बात है कि अब हम काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, लेकिन कॉर्पोरेट हाउसेस हैं जो कंपनीज हैं उनको इसका काफ़ी फायदा है, लेकिन इकोनॉमिस्ट जो है उनका राय कुछ अलग है। तो ये सारा इसमें डिटेल दिया हुआ है, ज़रूर से पढ़ना PDF। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक बक का आज इशू आया है कि जेनेटिक जो एविडेंसेज जो है वो कुछ रेगुलेशन कर रहे हैं। अब ब्लैक बक जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्पीशीज हैं इंडिया के अंदर, एक तो होता है जीनस स्पीशीज से ऊपर होता है, स्पीशीज सबसे अगर देखें मतलब जो कैटेगराइजेशन जो होता है उसके अंदर ऊपर फैमिली आती है, फिर उसके नीचे जीनस आता है, फिर जीनस के अंदर फैमिली स्पेशीज होती हैं। तो ब्लैक बक जो है वो एंटीलोप जीनस में आता है, और उसकी अकेली एक स्पीशीज है जो बची हुई है, और ये इंडिया में स्पेसिफिकली मिलता है, और बांग्लादेश में, पाकिस्तान में थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन अधिकतर ये मेनलैंड इंडिया में ही मिलता है ब्लैक बक। कुछ और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि बारहसिंगा है वो एक डियर होता है, बारहसिंगा उसका जीनस अलग है। ऐसे ही एक आपने सुना होगा जो तिब्बतन एंटीलोप होता है, उसका जीनस अलग है, वो चीरू बोलते हैं उसको। ऐसे ही आपने सुना होगा चिंकारा जो गजेल स्पीशीज है, और गजेल उसकी जीनस है वो अलग है, और ये ब्लैक बक जो है वो जीनस एंटीलोप होता है, उसका ये अकेला मेंबर बचा हुआ है। ये सेंटेंस सही है बिल्कुल। दूसरा, ये गलत है क्योंकि ये लीस्ट कंसर्न में आता है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है। इसके रिगार्डिंग और चिंकारा के रिगार्डिंग, चिंकारा मेनली राजस्थान वगैरह में मिलता है, आपको याद होगा ब्लैक बक केस सलमान खान के ऊपर चला था, और दूसरा जो जानवर था वो चिंकारा था, इन दोनों को मारने का जो इल्ज़ाम था उन पे लगा था, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, अलग अलग जीनस हैं, अलग अलग स्पीशीज हैं। लेकिन ये सारे जो एक जनरल टर्म में हम समझते हैं कि हिरण जैसे दिखते हैं जो जानवर वो ये सब होते हैं, तो ये इनका जो बोविडी नाम की एक इंपॉर्टेंट फैमिली है उसके अंदर जीनस होता है और उसके अंदर स्पीशीज होती हैं, तो बोविडी के ही सारे मेंबर्स हैं, और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, ये लीस्ट कंसर्न है, और ये शेड्यूल वन में है, इंडिया में शेड्यूल वन में है, ये बिल्कुल सही है। इसी के कारण ही वो केस बना था लीगल इतना बड़ा, क्योंकि इसका प्रोटेक्शन अवेलेबल है 72 एक्ट के अंदर,
तो ये पूरा लाइन गलत हो जाएगा क्योंकि क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, ये लीस्ट कंसर्न में आता है। तो पहला सही ओनली वन इसका आंसर होगा और दूसरा इसमें गलत है। ये यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, चिंकारा जो है वो इंडियन गजेल कहलाता है और ये गजेल की स्पीशीज होती हैं, और ब्लैक बक जो है वो इंडियन एंटीलोप है जो अकेला है जीनस एंटीलोप के अंदर जो बचा हुआ एक स्पीशीज है। एक दूसरा तिब्बतन एंटीलोप है, उसका जीनस अलग है और ये इंडियन एंटीलोप है, तो ये अकेला मेंबर बचा हुआ है जीनस एंटीलोप का जो ट्रू एंटीलोप होता है। ये वाला एंटीलोप है और ये वाला चिंकारा है, ये चिंकारा का पिक्चर है। ये आज का लेसन था, कल मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, इट वॉज अमित सैनी।